वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हमारी रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट की तीसरी क्लास है, ठीक है। रीजनिंग में कौन सी क्लास है आज हमारी? तीसरी रीजनिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इस तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे मध्य पद। मध्य पद कैसे निकालते हैं? मध्य पद में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम मध्य में अक्षरों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? मध्य में अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। तो मध्य में अक्षरों की संख्या का पहला सवाल है, लिखो पहला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें तथा दाएं से सातवें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो देखो इसमें ध्यान से, इस सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है ए से और जेड तक, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का मतलब होता है जैसे हमने अक्षरों को सीखा था, ठीक है। बाएं से आठवें तथा दाएं से सातवें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस सवाल को वैसे का मतलब अगर मैं इसको ए बी सी डी लिख कर करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो मुझे ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से होती है? ए से और जेड तक होती है, यहाँ तक। तो देखो बाएं से कौन सा अक्षर है बताओ? बाएं से है आठवां, बाएं से आठवां, और दाएं से कौन सा है? दाएं से सातवें का मतलब क्या है? बाएं से बीसवां। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दाएं से आठवें का मतलब है दाएं से आठवां तो यहाँ पर है, और सॉरी दाएं से यहाँ पर इधर की तक सातवां है, दाएं से तो एक सातवां है, तो बाएं से का मतलब क्या है? बीसवां। और पहले बाएं से आठवां दे ही रखा है, तो ये दोनों बाएं से हो गए कि नहीं हो गए? आठवां और बीसवां है ना, इनके बीच में कितने अक्षर हैं बताओ? बीस में से आठ गए बारह, कितने? लेकिन एक कम और कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। इनके बीच में 11 अक्षर हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना? तो इसके बीच में 11 अक्षर होंगे, ठीक है। ये हमारा इसका सही आंसर है 11। दूसरा सवाल लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईसवां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईसवां तथा बाएं से आठवें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईसवां तथा बाएं से आठवें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, बाएं से बाईसवें कौन सा अक्षर होगा, और बाएं से कौन सा? बाएं से आठ। देखो इन दोनों का डिफरेंस, 22 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 14 होगा ना, बताओ। 22 में से 8 के कितने बचेंगे? 14 ही तो बचेंगे। 14 में से एक घटा देंगे कितना जाएगा? तो इनके मध्य में कितने अक्षर होंगे? 13। आई बात समझ में यहाँ तक? तो नोट कर ले यहाँ तक इसको। देखो अभी तक हमने मध्य पद पढ़ा, अब है मध्य में दो अक्षरों के मध्य का अक्षर। अगला टाइप क्या है? दो अक्षरों के मध्य का अक्षर।
दो अक्षरों के मध्य का अक्षर कैसे निकालते हैं देखो। तो इसका सवाल लिखो पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर एमएम दाएं से दसवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर एमएम दाएं से दसवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कहाँ से, बाएं से सातवां है, बाएं से कौन सा है, सातवां, और बताओ दाएं से कौन सा है, दाएं से दसवें का मतलब बाएं से कौन सा हो जाएगा, वो बताओ बाएं से सत्रहवां हो गया ना। तो क्या करेंगे अपन इसमें देखना, सात और सत्रह को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना जाएगा 24। दोनों बाएं से हैं कि नहीं बताओ, दोनों बाएं से सातवां और ये भी सत्रहवां जो है दोनों बाएं से हैं और दोनों को जोड़ेंगे 24 आ गया। 24 किस से डिवाइड हो रहा है, दो से डिवाइड होना चाहिए। अगर 24 दो से डिवाइड हो जाता है तो क्या आएगा 12, और डिवाइड होने के बाद 12वां अक्षर क्या होता है, एल होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मैं इसको वैसे करूँ बाएं से सातवां अक्षर और फिर बाएं से कौन सा है, सत्रहवां, तो इनके बीच में अक्षर देखना कितने हैं, एक तो आठवां है, नवां, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, और तो देखना चार संख्या इधर काट दो और चार संख्या इधर काट दो, क्या आ रहा है बीच में, बारह, और बारह अक्षर एल ही तो होता है, बताओ बाएं से वैसे एल होता है ना। क्या करेंगे अगर दोनों जुड़कर दो का भाग लग जाए, पूरा 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 भाग चला जाए दोनों जोड़ने के बाद, तो बीच का अक्षर होगा वरना नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ध्यान दो आप। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर एवं दाएं से दसवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो मध्य में हाँ बिल्कुल इनके मध्य में पूछा है। अब आगे नेक्स्ट टाइप जो है वो लास्ट टाइप अभी इसमें, ये वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद अक्षरों की समान स्थिति, ये डी टाइप है इसका, वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर अक्षरों की समान स्थिति, तो इसका पहला सवाल लिखो, लिखो सवाल इसका, यदि शब्द रीजनिंग में, यदि शब्द रीजनिंग में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान ए परिवर्तित रहेंगे। मैं लिख देता हूँ इस सवाल को, मैं एक बार लिख देता हूँ इस सवाल को एग्जाम्पल। यदि शब्द रीजनिंग के
अक्षरों को के में रीजनिंग में प्रत्येक अक्षरों को वर्ण के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों के स्थान ए परिवर्तित रहेंगे। तो ध्यान देना है इस सवाल पर। रीजनिंग लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? रीजनिंग। अब बताओ क्या करेंगे सबसे पहले, ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है बताओ? इसमें ए आ गए, लिख दिए। फिर क्या आता है इसके बाद? बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एफ है, नहीं है, जी है क्या? है। एच है क्या? आई है क्या? नहीं है, आई है। जे है? नहीं है। के? नहीं है। एल? एम? नहीं है। एन है। ओ है? और पी नहीं है। क्यों? एन दो हैं तो एन के बाद फिर से एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर क्या जाएगा? एम एन ओ पी। क्यों नहीं है? आर, आर आ जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगा? एस। कितने गए? आर ई ए एस ओ एन रीजन आई एन जी। कितने के स्थान नहीं बदले बताओ? एक, और बताओ? दो। दो के स्थान ए परिवर्तित रहेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? दो आएगा। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।